तो ख्याल करो अपनी माँ का, सारा दिन मैं इस घर में अकेली पड़ी। कितनी मक्कार है, मतलब पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इनसे तुम्हारी शिकायत सुनने को मिली। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तर्क के वफा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर सत्यन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसे अपनी मोहब्बत मिल रही है। लेकिन दूसरी जानब आसिफ की बात की जाए तो आसिफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसने हमेशा मरियम की ख्वाब देखे थे उसी से शादी करने के, लेकिन यहाँ तो हकीकत कुछ उलट हो चुकी है। अब यहाँ पर उस सत्यन से कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, तुमने मोहब्बत करने वालों को जुदा किया। जिस पर सत्यन मुस्करा देता है और आसिफ से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो तो मुझसे मोहब्बत करती है और बहुत ही जल्द मेरी शादी होने वाली है। अब रिश्ता भी पक्का हो चुका है, इसीलिए तुम उसे भूल जाओ। आसिफ कहता है कैसे कैसे भूल जाऊँ, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कब तक उसके साथ खुश रहोगे। मैं भी देखता हूँ, मैं मरियम को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर ही रहूँगा और एक दिन उसे हासिल कर ही लूँगा। मेरी मोहब्बत सच्ची है और सच्ची मोहब्बत एक ना एक दिन जीत जाएगी। जिस पर सत्यन मजीद मुस्कुराता है और आसिफ से कहता है कि तुम पागल बन चुके हो, इसलिए अपना इलाज करवाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतरी है। आसिफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मरियम भी अब सत्यन